सुबह उठे, बहुत सारे टास्क सामने थे और वो दिमाग में घूमने लगे, क्योंकि उठे ही उस समय जब खुद के लिए कोई समय ही नहीं था। परंतु एक व्यक्ति अपने शेड्यूल से 45 मिनट पहले उठा, अपनी सांसों को महसूस किया, प्राणायाम की तरफ गया, सूर्योदय हो रहा था। जो फ्लैट उसने चूज़ किया था कि यहाँ से सूर्योदय बहुत अच्छे से देख पाऊँगा, महीनों बीत गए नहीं देख पाया था, आज उसे देख पा रहा है। और अब मन के भीतर एक संकल्प लेता है कि यहाँ से सनराइज़ के ब्रोश तो ज़रूर अब अपने साथ में जोड़ने वाले रहेंगे, इतना सुंदर दृश्य है। और वहीं से मन एक अलग आनंद के साथ में भरता चला जाता है। दफ्तर के लिए निकले तब भी 10 मिनट पहले निकले, कहीं वाहन की रफ्तार बढ़ाने की और कहीं हॉर्न बजाने की ज़रूरत नहीं रही, कोलाहल महसूस ही नहीं हुआ। दुनिया अपनी रफ्तार से चल रही है, हम उससे कम रफ्तार से चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऑफिस पहुँचे और सारी ही जो मुलाकातें होनी थी औपचारिक तौर पर वो हुई, उसके अलावा अपनी सीट पर बैठे, ध्यान किया 5 मिनट के लिए, क्या क्या कार्य करना है उसकी टू डू लिस्ट बनाई, और उसके बाद लंच की तरफ गए तो वहाँ पर भी स्ट्रक्चर्ड नोट पर। ऑफिस से निकलने वाले थे, कुछ लोग ऑफिस पॉलिटिक्स के सिरों के साथ में डिस्कशन कर रहे थे। हमें लगा कि ये समय हमारे काम का नहीं है, यहाँ बिल्कुल भी हम रुक नहीं सकते। घर की तरफ निकले, घर भी फ़ोन किया, पूछा कुछ लेकर तो नहीं आना है, और उसके बाद बड़े ही आनंदित माहौल के साथ में लगातार चलते चले गए। पत्नी पक्ष या फिर पति पक्ष को कहा मंदिर चल कर आते हैं, आज समय है। व्यवस्थित रूटीन रहा, खुद के लिए भी समय रहा, अपनी सांसों को महसूस कर पाए, कामकाज जो करना था उसको स्ट्रक्चर्ड नोट पर देख पाए, जिन लोगों से मुलाकात करनी थी वो भी बहुत अच्छे से हुई, ध्यान की तरफ ईश प्रार्थना की तरफ जो समय लेकर चलना था भीतर तक उसको भी अंगीकार और स्वीकार किया। मन एक ठहराव के साथ में आता चला गया। ये दिन अंतिम सिरे में कब बीता था, कब याद आता है? बस वहीं से व्यक्ति अपने जीवन की पूरी प्रक्रिया को समझ सकता है, अपने भीतर की यात्रा को समझने का कार्य कर सकता है। जब भी हम एक बार अपने भीतर की संकल्प शक्ति के साथ में इस बात को दोहराते हैं कि समय को ज़ाया नहीं होने देंगे, सुबह जल्दी नहीं उठ पाते कोई बात नहीं, रात को देरी से जो है सोना होता है तब भी कोई बात नहीं, परंतु इसके मध्य का जो समय है हम ज़ाया नहीं होने देंगे, कहाँ कहाँ पर हम समय बचा सकते हैं एक बार वो ऑब्जर्व करके देख लें, तो व्यक्ति को 1.5 से 2 घंटे ऐसे मिल जाएंगे दिन में जहाँ पर उसने न चाहते हुए और चाहते हुए दोनों ही सिरों में समय को ज़ाया होने दिया और खुद को एक तरह से वो स्ट्रक्चर्ड रूटीन से काफ़ी हद तक हटाता चला गया। इसी वजह से जैसे ही व्यक्ति ऑब्जर्व करने लगता है कि यहाँ से समय बच सकता था, यहाँ से ये समय की अवस्था थोड़ी सी हमारे लिए पशुपेश पैदा कर रही थी, इसको हटा सकते थे, और जैसे ही एक बार व्यक्ति इतनी ऑब्जर्वेशन की शुरुआत करता है, यकीन मानिए उसके साथ में जो व्यग्रता जुड़ी हुई है, एंग्जाइटी के बहुत बड़े इश्यूज जुड़े हुए हैं, टाइम कंस्ट्रेंट जुड़े हुए हैं, वो हटाने लगता है। लोगों से बातचीत का इतना समय नहीं जो अपने हैं, घर परिवार में हो रही मेल मुलाकातों के साथ में जाने का समय नहीं जो जीवन की सबसे बड़ी यात्रा है, निवेश के बारे में सोचने का समय नहीं जो रुपया पैसा कमा रहे उसको किस तरह से निवेश करना है उसके बारे में भी इतनी विचारशीलता नहीं आ पा रही है, क्या वजह है? क्योंकि समय उस हिसाब से व्यवस्थित नहीं है। और जैसे ही व्यक्ति उस व्यवस्था की तरफ जाता है, यकीन मानिए दैनिक जीवन को वो पूरे तरीके से निखार कर रख देता है। हम भी दैनिक राशिफल आपके समक्ष लेकर आते हैं, गणनाएं सामने होती है, उसके बूते यहाँ चर्चाओं को रखने का प्रयत्न करते हैं, परंतु एक बार व्यक्ति जैसे ही संकल्प शक्ति की ओर बढ़ता हुआ इस मंत्र को अपने साथ अपनाता है कि हमें अपने रूटीन को एक अलग पर्पस के साथ देखना है, एक अलग पॉजिटिव नोट के साथ में देखना है, बहुत बड़े चेंजेस सामने आते चले जाते हैं। बहरहाल इन सारी चर्चाओं के बाद और साथ हम आपके समक्ष यहाँ 6 सितंबर 2024 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा कन्या राशि स्थान में रात्रि 11:01 तक, हस्त उपरांत चित्रा नक्षत्र स्थितियाँ, शुक्रवार है तो वहीं भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष चल रहा है। दैनिक राशिफल की शुरुआत मेष राशि के साथ में। देखिए पूरे ही दिवस में षष्ठ भावस्थ चंद्रमा रहेंगे, स्वास्थ्य का विशेष स्तर पर ख्याल रखें। ब्रीदिंग को रिलेट करते हुए कोई भी इश्यूज डिस्टर्ब करने वाले रहे हैं वहाँ पर ज़्यादा गौर कीजिएगा। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में आज आपके लिए पॉजिटिविटी बनी हुई है। नौकरी पेशा जीवन में वीकेंड की तरफ चलते हुए छोटी छोटी बातों को लेकर जो बाहर मन में निकल कर आते हैं उससे हटने का पूरा पूरा प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। आज का दिवस विशेष आपके आत्मविश्वास में कमी की अवस्थाओं के साथ है, उसको संभालें विशेष तौर पर, अन्यथा दुविधाओं के क्रम काफ़ी हद तक बढ़ने वाले हो सकते हैं।
आज स्पष्टता इस बात की भी रख है कि निवेश में अत्यधिक सावधानी बरतकर चलने की जरूरत है। आर्थिक भार बढ़ाने से बचिएगा। शत्रु पक्ष दोपहर के बाद में हावी हो सकता है। किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं तो उसके प्रभाव में खुद को खोने वाले बिल्कुल भी नहीं रहे हम। स्थिरगामिता की प्रक्रिया को अपनाकर आगे बढ़ने का प्रयत्न करना आपके लिए बेहद जरूरी रहेगा। मंगल प्रदान राशि के महानुभावों को चाहिए कि आज जब भाग्य का सहयोग आपको उस स्तर पर नहीं मिल रहा है तो हम स्वयं को इसी बात के साथ बारंबार समझाने वाले हों कि ऐसे कार्य नहीं करें जो सिर्फ भाग्य के भरोसे आगे बढ़ते हैं। जहां क्रिस्टल क्लियर अप्रोच हो वहीं खुद को गतिमान करना ज़्यादा अच्छा। वृषभ राशि, देखिए स्टॉक मार्केट के साथ आज इन्वेस्टमेंट आपके लिए पॉजिटिव कहे जाएंगे। जिन कार्यों में रुकावटें थी वहां पुनः प्रयास करके आगे बढ़ने की प्रक्रियाओं को अपनाकर चलिएगा। लाभ के सिरों के साथ भरपूर वृद्धि के क्रम आपके लिए बने हुए हैं। खुद को जितना आप वर्किंग पोजिशंस में मैनेज करके चलेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी के क्यूमुलेशंस आपके साथ आते चले जाएंगे। आर्टिस्टिक फील्ड के साथ जो डेवलपमेंट आप देखना चाहते हैं खुद के लिए उसकी गुंजाइश भरपूर सिरे से साथ साथ चलायमान है। आज के दिवस में जॉब हो या फिर बिजनेस, दोपहर के अंतराल को विशेष तौर पर संभालिएगा। आलस में या फिर किसी भी कार्य के इग्नोरेंस में खुद का समय जाया नहीं होने वाला हो। इस मूल मंत्र को भीतर तक प्रतिध्वनित करने की बारंबार आपके लिए आवश्यकताएं रहेंगी। वृषभ राशि के महानुभावों को चाहिए कि कम्युनिकेशन में रिएक्शन लेस होकर चलने की आपको ज़रूरत है। जो भी बात कह रहे हैं शांत चित्त भाव के साथ में उसे रखने का एक अंदाज अपने साथ आप लेकर चलते चले जाइएगा। मिथुन राशि, चतुर्थ भावस्थ चंद्रमा है। सर्वप्रथम तो नौकरी पेशा जीवन में छोटी छोटी लापरवाही भारी पड़ सकती है, उससे संभलें। किसी भी व्यक्ति से कमिटमेंट करने की तरफ जा रहे हैं तो अक्षरशः उस कमिटमेंट में निभाव कैसे आ सकता है वो जर्नी अपने साथ आप इवॉल्व करके चलिएगा। सिचुएशनल बेसिस पर जितना आप अवेयर रहेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी आप अपने साथ में यहाँ जोड़ते चले जाएंगे। स्वयं को जितना वर्किंग पोजिशंस में आप मैनेज करके चलते हैं उतनी ही जो एक पॉसिबल अप्रोच होती है जहाँ से गुंजाइशें निकल कर आती है वो आप अपने साथ लेकर चल सकते हैं। छोटी छोटी बातों में आ रही एंग्जाइटी संध्या समय अंतराल तक बड़ा रूप धारण करने वाली नहीं हो, इस बात पर गौर करें। बुध प्रदान राशि के महानुभावों को चाहिए कि आप वर्किंग रिफ्लेक्सेस के साथ में जितना खुद को शांत रखेंगे उतनी ही पॉजिटिव साइड अपने लिए जोड़ते चले जाएंगे। तो वहीं ये दिवस विशेष आपके लिए आज यात्राओं में थोड़ी सी दूरी बनाकर रखने का है। आज यात्राओं को यदि आप टालकर चलते हैं तो उसे ज़्यादा बेहतर स्तर के साथ में कहा जाएगा। बुध प्रदान राशि के महानुभावों को चाहिए कि ये दिवस विशेष आर्थिक तौर पर बिल्कुल भी भार बढ़ाने का नहीं है, वहाँ से खुद को काफ़ी हद तक संभाल कर आगे बढ़ाने की ज़रूरत आपके लिए रहेगी। कर्क राशि, देखिए तृतीय भावस्थ चंद्रमा है। यात्राएं आपके लिए निरंतर तौर पर बेहतरी के समागम को लेकर आने की तैयारी कर रही है और उसमें जुड़ते चले जाना बेहतर है। भाग्य का भरपूर सहयोग आपके साथ में बना हुआ है। इच्छा शक्ति जिस स्तर पर आप अपने साथ में देखना चाहते हैं या महसूस करना चाहते हैं उसकी प्रक्रिया भी साथ साथ चल रही है। किसी इंटरव्यू की तरफ गए हैं, किसी व्यक्ति विशेष के साथ में मुलाकात की स्थितियों को देख रहे हैं, वहाँ पर भी अटमोस्ट पॉजिटिविटी यहाँ साथ साथ है। ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में जल्दबाजी में कोई भी निर्णय आप अपने साथ यहाँ जोड़ने से बचिएगा, ये प्रमुख निवेदन आपसे करना चाहेंगे। तो वहीं जो भी महानुभाव किसी भी कार्य विशेष में व्यक्ति का सहयोग लेकर चलना चाहते हैं, यानी कि कोई जानकार व्यक्ति एक्सपर्टीज है तो उसका मेहनताना उस व्यक्ति को देना और पूरे आदर मान के साथ में आज स्थितियों को देखना ज़्यादा महत्वपूर्ण कहा जाएगा। पीक ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन का जो लेवल निकल कर आता है वो आज आपके साथ में रह सकता है। बिना भटकाव का दिवस विशेष और वहाँ होते हुए कार्य व्यक्ति विशेष के द्वारा अद्भुत हस्ताक्षर करते चले जाते हैं लोगों के मानस पटल पर, वो स्थितियाँ आज साथ में। तो वहीं पर सुबह सुबह ध्यान की प्रक्रियाओं की तरफ जाना मन को संतुष्टि प्रदायक क्रम देने वाला आधार रह सकता है। सिंह राशि, देखिए द्वितीय भावस्थ चंद्रमा है। धनागमन के साथ में भरपूर वृद्धि के सिरे आपके लिए बने हुए हैं। रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज में अटमोस्ट पॉजिटिविटी की क्यूमुलेशन को आप अपने साथ लेकर आगे बढ़ने की प्रिपरेशन कर रहे हैं।
निवेश की प्रक्रियाओं में आज का दिवस विशेष अच्छे संकेत आपको दे रहा है। तो वहीं जो नेक पेन को रिलेट करते हुए इश्यूज होते हैं, उससे विशेष तौर पर स्वयं को संभालने का प्रयत्न करना आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रक्रियाबद्ध चरण कहा जाएगा। और वहीं सुबह सुबह के अंतराल में ईश भक्ति के साथ दिवस की शुरुआत करना, किसी भी टास्क के साथ में खुद को नहीं जोड़ना। कई बार व्यक्ति सुबह उठते ही टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़ जाता है, थोड़ा सा गैप दीजिएगा, आँखों को प्रकृति के साथ में जुड़ने दीजिए। ये प्रक्रिया अपनाइए, आज के दिवस पर एक जादुई असर आप स्वयं के लिए देखने वाले रहेंगे। तो वहीं संध्या समय अंतराल में भी स्वयं को काफ़ी हद तक स्थिरगामी करके चलने की ज़रूरत यहाँ आपके लिए रहेगी। वहीं सिंह राशि के महानुभाव स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज हो या फिर रियल एस्टेट संबंधी कामकाज, दोपहर के समय को खुद के लिए काफ़ी हद तक प्रगाढ़ता एवं एक अलग सकारात्मकता के क्रम में देखने वाले हो सकते हैं, जिसमें कोई भी और नकारात्मकता के भाव निहित होकर आगे बढ़ने वाले नहीं होते। सिंह राशि के महानुभावों को चाहिए कि पारिवारिक जनों के साथ जो भी समय बीत रहा है, बड़ी ही शांत चित्त आभा के साथ में उस समय को आगे की ओर लेकर चलते चले जाना अत्यधिक व्यवस्थित प्रक्रिया आपके लिए कही जाएगी। कन्या राशि, देखिए आज चंद्रमा की स्थितियां कन्या राशि स्थान में ही है। आत्मविश्वास के साथ भरपूर वृद्धि के सिरे बने हुए हैं। गृहस्थ पक्ष के साथ सहयोग की जो स्थितियां आप देखना चाह रहे थे वो आपके साथ साथ है। आध्यात्मिक तौर पर जो तीव्रगामिता अभी तक आप महसूस नहीं कर पाए वो भी यहाँ साथ में गतिमान होती चली जा रही है। याद रखिएगा कि पारिवारिक जनों के साथ में एवं जो मित्रों के साथ में समय बीत रहा है, हम कोई भी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट देने वाले नहीं हों। जो भी कहना है स्पष्ट तौर पर और मृदुभाषिता के साथ में वो शब्द रचे बसे हों, ये प्रमुख प्रयत्न आप करते चले जाएं। वहीं बुध प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि जो भी कार्य आपने अपने हाथ में ले लिया है, उसके अंतिम सिरे के निभाव को अपने साथ व्यवस्थित क्रम में बनाकर रखने की जो यात्रा होती है उसे लेकर चलने की कोशिश करें। मन भटकाव से बिल्कुल भी दूर होकर चलने वाला हो ये प्रयत्न कीजिएगा, और इसके लिए बार बार खुद को गैप देना, मन को स्थिर करना और फिर आगे बढ़ते चले जाना। ये यात्रा प्रतिबिंब आपके साथ में रहे तो ज़्यादा उन्नति प्रदायक आधार आपके समक्ष निकल कर आने वाले हो सकते हैं। ये स्पष्टता भरी प्रतिध्वनि अपने साथ अपना करा चलिएगा। तुला राशि, देखिए खर्चों पर नियंत्रण रखने की पूरी पूरी आवश्यकता यहाँ आपके लिए बनी हुई है। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में वृद्धि के तत्व विशेष निरंतर तौर पर आपके साथ चल रहे हैं। आर्टिस्टिक फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए भी मेजर लेवल के जो डेवलपमेंट्स होते हैं वो सामने निकल कर आ सकते हैं। रूटीन के साथ में बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट्स के अप्रोच रखने से आपको बचना चाहिए। इच्छा शक्ति के प्रभावी क्रम अपने साथ में अपनाकर चलने की कोशिश आप निरंतर तौर पर करते चले जाइएगा। और ये भी याद रखिएगा कि जिन कार्यों में लंबे समय से आपने बाधाएं महसूस की है, रुकावटें महसूस की है, उनमें कुछ चेंजेस को इवॉल्व करते हुए आगे बढ़ना आपके लिए एक ज़्यादा महत्वपूर्ण अवस्था विशेषक स्थिति कही जाएगी। और वहीं ये स्पष्टता है कि आज आपके पुरुषार्थ में प्रखर वृद्धि के क्रम निरंतर यहाँ बने हुए हैं, जिसका फायदा उठाते हुए आप आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। आज के दिवस विशेष में दोपहर के अंतराल में आलस्य निर्णायक कामकाज में सेंध लगा सकता है, उससे भी संभलें। मेडिकल फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभाव आज अपने लिए मान सम्मान की स्थितियों को जो बढ़ता हुआ पा रहे हैं उससे कहीं पर भी आत्ममुग्ध हम होने वाले नहीं हों। बड़ी ही शांत चित्त प्रक्रिया से उसको भी अपने साथ आत्मसात करके चलें, सम्मान स्वीकार करें तो बेहतरी। वृश्चिक राशि, एकादश भावस्थ चंद्रमा है। नौकरी पेशा जीवन में दबाव मुक्त होकर आज काम कीजिएगा, अन्यथा गलतियां सामने आ सकती है। रूटीन जितना अनुशासित क्रम में रहेगा उतने ही बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आप अपने साथ इवॉल्व करते चले जाएंगे। रक्त संबंधी विकारों से सावधानी बरतें। वहीं व्यापारिक जीवन में रुपए पैसे की लेन देन में किसी भी व्यक्ति विशेष की बातों में आकर हमें अपने निर्णय को इधर उधर करने से बचना चाहिए। विद्यार्थी वर्ग जिस एकाग्रता को लंबे समय से महसूस नहीं कर पा रहे थे, आज आपके लिए वो एकाग्रता के क्रम में है। परंतु संतान पक्ष के स्वास्थ्य को लेकर
आप विशेष तौर पर सावधान रहें। गृहस्थ जीवन के साथ जुड़ी हुई महिलाओं के लिए जो अपनेपन के सिरे होते हैं, जो कई बार घर परिवार की ओर से निकल कर आते हैं, आसपास की स्थितियों के साथ में निकल कर आते हैं, वो अत्यधिक सुंदरता भरे आयाम आपके समक्ष रखते चले जा रहे हैं, यानी कि वहाँ से एक आत्मिक संतुष्टि प्राप्त होने की जो आभा होती है वो आप साथ में लेकर चल रहे हैं। आप किसी भी तरीके की टेक्सटाइल संबंधी वर्किंग अप्रोच के साथ या वस्त्र उद्योग के कोई भी और प्रक्रिया के साथ में चल रहे हैं, तो उसमें भी कहीं खुद को पशुपेश में रखने की जरूरत नहीं, अपनी पूरी पूरी ऊर्जा के साथ में स्वयं को आगे की ओर गतिमान करते चले जाना एक बेहतरी का आधारभूत क्रम कहा जाएगा। कमीशन संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के अटमोस्ट प्रोस्पेक्ट्स आप इवॉल्व करके आगे बढ़ने की प्रिपरेशन में है। धनुराशि, देखिए दशम भावस्थ चंद्रमा है, मानसिक सुख में आज वृद्धि है जो कर्म कर रहे हैं उसके साथ, वहीं पर इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर आपके साथ साथ गतिमान है। यात्राओं से संबंधित कार्यों में जिस अवस्था को आप अपने लिए देखना चाह रहे थे वो भरपूर सम्यक और बेहतर क्रम के साथ आपके लिए अपनी उपस्थिति को दर्ज करवाती चली जा रही है। रूटीन में बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट्स को अपने साथ रखने से आप यहाँ बचिएगा, वहीं पर हृदय रोगों से सावधान रहकर आगे बढ़ने की पूरी पूरी आपके लिए यहाँ आवश्यकता। जो भी महानुभाव स्वयं को बड़े कार्यों के साथ नियत तौर पर आगे बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए भी अटमोस्ट सपोर्टिव रिदम यहाँ स्टेबलाइज होकर आगे बढ़ रही है। वहीं ये एक अवस्था क्रम अपना कर चलें कि आज आपके पुरुषार्थ के साथ में वृद्धि है और वहीं से निरंतरता के जो प्रक्रियाबद्ध आवरण होते हैं वो आपके साथ में लगातार बने हुए, उसमें कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये स्पष्टता रखिएगा कि जिन कार्यों के साथ में आप लंबे समय से अटकाव देख रहे थे वहाँ से अब जो सुधार की प्रक्रिया होती है और जिस तरह से हमें आगे बढ़ना होता है वो चरणबद्ध सिरे आपके साथ लगातार बने हुए हैं, जिसमें कुछ भी और सोचने की ज़रूरत नहीं है। वहीं गुरु प्रधान राशि के महानुभाव आज रियल एस्टेट संबंधी कार्यों में महत्वपूर्ण निर्णय की प्रक्रिया को एवं आभा को अपने साथ में आगे बढ़ाने वाले हो सकते हैं। वहीं सुबह सुबह किसी भी यात्रा की ओर जा रहे हैं तो स्वास्थ्य संबंधी स्तर का विशेष तौर पर ख्याल रखने का प्रयास करते चले जाइएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सेस लेवल पर स्ट्रेस लेना आपके लिए आज इतना बेहतर नहीं। शनिदेव प्रधान मकर राशि भाग्य का सहयोग है, तो वही आध्यात्मिक तौर पर प्रगति के प्रतिबिंब यहाँ आपके साथ साथ चलायमान है। याद रखिएगा कि जो भी महानुभाव किसी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, किसी विशेष मुलाकात की तरफ जा रहे हैं, उनके लिए ये समय सामर्थ्यवान स्थितियों को निरंतर तौर पर निर्मित करता चला जाता है। खर्चों पर पूरा पूरा नियंत्रण स्थापित करके रखने की आपको ज़रूरत रहेगी, तो वहीं पर आज के दिवस विशेष में किसी भी बाहरी दबाव में आकर, यानी कामकाजी जीवन में कई बार ऐसे प्रेशर्स रहते हैं जो व्यक्ति विशेष को डिसफंक्शनल कर जाते हैं, ऐसे दबाव में आकर निर्णय लेने से बचिएगा। एंग्जाइटी की जड़ को पकड़ें, व्यग्रता कहाँ से आ रही है उसके सिरे पर एक बार चोट करके उसको हटाना बेहद ज़रूरी है। मेडिकल, फार्मास्यूटिकल और टेक्निकल फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए आज का दिन काफ़ी हद तक सुदृढ़ कहा जा सकता है। बेहतरी के आयाम को स्थापित करने वाली जो स्थितियाँ होती है वो आपके साथ लगातार बनी हुई है। खुद को जितना मैनेज करके आप चलेंगे उतनी ही प्रॉस्पेरिटी और पॉजिटिविटी के जो फ्रेम्स होते हैं उसे आप स्टेबलाइज करते चले जाएंगे। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि रिसर्च संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी है, कम्युनिकेशन में रिएक्शन लेस होकर चलने की आप कोशिश कीजिएगा। जो विदेश संबंधी कार्य है वहाँ पर भी संभावनाओं के एक अलग ओर एवं छोर को आप अपने साथ में लेकर चल रहे हैं। ये स्पष्टता रखें कि निर्णायक मौक़ों पर छोटी छोटी बातें आपको घबराहटों के सिरे दे सकती है, उसे संभलने की पूरी पूरी ज़रूरत रहेगी। और वहीं पर जो कार्य आपने अपने हाथ में ले लिया है उसकी पूरी पूरी रूपरेखा को अपने साथ बनाकर रखने की कोशिश आप करते चले जाइएगा, उसी में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट आपके लिए रहेंगे। वहीं पर विद्यार्थी वर्ग आज औचक तौर पर कोई भी निर्णय लेने से बचें, स्टमक को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम कुछ हद तक ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस के बेसिस को बना सकती है, उससे भी संभलने की पूरी पूरी आवश्यकताएँ आपके लिए रहने वाली रहेंगी, इसमें कोई भी और आपके लिए दुविधा के मानक नहीं है। वहीं पर कोई भी चेंज जो एब्रप्ट बेसिस पर सामने आता है उसको पूरी तरीके से डिकोड कीजिएगा, फिर ही आगे बढ़ना ज़रूरी है।
जो बर्डन बने हुए हैं उनको संभालने के चक्कर में कहीं और से और अधिक बर्डन बढ़ाने वाले नहीं हो। किसी को स्पष्ट जवाब देना है तो भीतर हिम्मत लेकर आएं और उसी स्पष्ट जवाब के साथ में चलने की रूपरेखा को अपना कर चलें तो ज़्यादा बेहतरी। और वहीं पारिवारिक जनों की सलाह में भी आज उनके अनुभव के था को एक बार समझ कर ही उनसे सलाह लीजिएगा, जिससे ज़्यादा बेहतरी रह पाए। मीन राशि, व्यापारिक जीवन में काफ़ी हद तक बेहतरी है। आत्मविश्वास के केंद्र बिंदु के साथ में आप अपनी यात्रा को लेकर चल रहे हैं। मानसिक सुख के साथ में वृद्धि, अपनी क्षमताओं पर पूरा पूरा विश्वास स्थापित करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश आप कीजिएगा। गुरु प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि छोटी छोटी बातों में स्वयं को जितना आप अटकाव और भटकाव से मुक्त रख कर आगे बढ़ने वाले होंगे, उतनी ही जीवन की स्थिरगामिता के सिरों को आप अपने साथ अपनाते चले जाएंगे। पुरुषार्थ के साथ प्रखर वृद्धि के क्रम आप अपने साथ साथ आगे की ओर बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। मीन राशि के महानुभावों को चाहिए कि अपनी सोच में जितनी स्थिरगामिता को आप बनाकर रखेंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी की क्यूमुलेशंस को आप अपने साथ जोड़ते चले जाएंगे। गुरु प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि आप छोटी छोटी अवस्थाओं में खुद को अव्यवस्थित करने से बचिएगा। जितना स्टेबलाइजेशन का बेस आप अपने साथ अपना कर चलते हैं, उतनी ही पॉजिटिविटी और प्रॉस्पेरिटी के बेस को अपने साथ में आप लेकर चलते चले जाते हैं। सुबह सुबह कुछ सुखद खबरें मिलने की उम्मीद है, तो वहीं दोपहर के अंतराल में आज आप खुद को थोड़े से गैप के साथ लेकर चलें। पावर नैप जैसे अप्रोच भी अटमोस्टली पॉजिटिव उसमें कही जाएगी। मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभाव खुद को अपडेट करते हुए चलिएगा। कोई भी मीटिंग आदि है तो हम उसकी प्रिपरेशन पर बहुत ज़्यादा बल देने वाले रहें, ये भी तत्पर तैयारी रखते हैं तो ज़्यादा बेहतरी। तो ये था 6 सितंबर 2024 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।